हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टूज ट्रैवल हैक्स सो रिसेंटली हम सेवन डेज़ के लिए थाईलैंड गए थे सो so वहाँ से आने के बाद वी थॉट कि वी शुड मेक अ वीडियो सीरीज अबाउट अवर ओन एक्सपीरियंस ऑन दिस ट्रिप बहुत सारे ट्रैवल हैक्स शेयर करेंगे जो आपको अपना एफर्ट्स टाइम और मनी सेव करने में हेल्प करेंगे सो वी विल बी गाइडिंग यू अबाउट हाउ टू स्टार्ट प्लानिंग अ ट्रिप वीज़ा इमिग्रेशन एयरपोर्ट जर्नीस से लेकर बेस्ट स्पॉट्स टू विजिट थाईलैंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज हम देखेंगे हाउ टू प्लान अ ट्रिप टू थाईलैंड नॉट जस्ट थाईलैंड अपने को कहीं भी जाना है अगर तो मतलब शुरुआत कहाँ से करें ट्रिप प्लान करने के लिए क्या क्या नेसेसरी होता है तो सबसे पहला पॉइंट है कि बेस्ट टाइम टू विजिट आप जहाँ भी पे जा रहे हो वहाँ का सीजन कैसा है वहाँ बेस्ट टाइम क्या होता है विज़िट करने के लिए उसके बाद फ्लाइट टिकट्स की फ़्लाइट टिकट्स कैसे बुक करें कब रेट्स ज़्यादा रहते हैं कब कम रहते हैं उसके बाद रहता है होटल बुकिंग होटल कौन से एरिया में बुक करें कैसे स्टे बुक करें उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है वीज़ा एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कोई भी कंट्री में जाना है अपने पास आ, उसका वीज़ा होना जरूरी है तो वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है और उसके बाद हम देखेंगे स्पॉट्स कौन से विजिट करने चाहिए थाईलैंड के बेस्ट स्पॉट्स रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंसी एक्सचेंज तो अगले स्लाइड्स में मैं आपको ये सारी बातें डिस्कस करूँगी बेस्ट टाइम टू विज़िट थाईलैंड सो थाईलैंड में जनरली हाई सीजन होता है नवंबर टू मे फर्स्ट वीक जो कि सबसे प्रेफरेबल रहता है टूरिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भी उसी सीजन में आते हैं और मोर स्पेसिफिकली अगर आपसे शेयर करें तो अप्रैल इज़ द मोस्ट क्राउडेड मंथ बाय द टूरिस्ट इन द थाईलैंड क्योंकि थाईलैंड का एनुअल सोंक्रान फेस्टिवल होता है जिसके बाद थाईलैंड में हॉलीडे स्टार्ट हो जाते हैं तो अगर आपको एक पार्टी एटमोसफियर चाहिए फुल वाइप चाहिए तो आप लोग सोंक्रान के अराउंड आपका ट्रिप प्लान कीजिए जो कि की अराउंड फोर्टीन अप्रैल होता है और आफ्टर सोंक्रान सीज़न एंड होता है तो तब क्राउड धीरे धीरे कम होने लगता है और अभी आपसे एक ट्रैवल हैक हम शेयर करेंगे कि अगर आपको सबसे चीपेस्ट फ्लाइट्स होटल रेट्स चाहिए और आपको कहीं भी क्राउड ज़्यादा क्राउड नहीं चाहिए एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अप्रैल एंड और मई के फर्स्ट वीक में आपका ट्रैवल प्लान कीजिए और द नेक्स्ट थिंग इज़ कोविड नाइन्टीन सेफ्टी मेजर्स सो इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑल थालैंड इज़ ओ ओपन आप फ्रीली कहीं पर भी विज़िट कर सकते हैं जस्ट फॉर अ सेफर साइड एक एन नाइन्टी फाइव टाइप फेस मास्क कैरी कीजिए जो आपको जो जो कि आपको पब्लिक प्लेसेस में यूज़फुल होगा दैन नेक्स्ट थिंग इज़ वॉचिंग लेटेस्ट यूट्यूब ब्लॉग्स आप जहाँ भी जाने वाले हो वहाँ के लेटेस्ट यूट्यूब ब्लॉग्स जब आप सर्च करोगे तो फिल्टर्स में जाकर अपलोड टाइम को सेलेक्ट करना जिससे आपको कि रिसेंट अपलोड वीडियोज़ आपको मिलेंगे Uh, उसके बाद आपको चेक करना है न्यूज़ और वेदर अपडेट्स जिसके लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कीप चेकिंग थाई टूरिज्म ऑफिशियल वेबसाइट ये आपको अगर थाई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी लेटेस्ट चेंजेस आते हैं कोई न्यू फीस इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पॉइंट इज़ बुकिंग फ्लाइट टिकट्स फ्लाइट टिकट्स इज़ वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर जर्नी तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एडवांस में फ़्लाइट टिकट्स बुक करें एटलीस्ट वन मंथ एडवांस में क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कुछ अवेलेबिलिटी इश्यूज ना हो इसीलिए ज़रूरी है और आप पहले टिकट्स बुक करने से आपको रेट्स भी रिजनेबल मिलेंगे और सीट्स भी आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो तो नेक्स्ट आपको फ़्लाइट टिकट्स कहाँ से बुक करने हैं तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि फ़्लाइट के टाइमिंग्स और रेट्स क्या है आपके नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तो मेरे लिए मेरा नियरेस्ट इंट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई सो मैं ये वेबसाइट यूज़ करती हूँ स्काई स्कैनर इस पर मैंने सोर्स में डाला है मुंबई एयरपोर्ट डेस्टिनेशन पर है बैंकॉक सुवर्णभूमि एयरपोर्ट डेट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं क्लास इकोनॉमी और ट्रैवलर्स ओके तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं अलग अलग टाइमिंग्स हैं रेट्स है इंडिगो के फ़्लाइट्स हैं विस्तारा के फ्लाइट्स हैं तो यहाँ से मैंने देख लिया मेरे बजट के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से कौन से कौन से फ़्लाइट्स अवेलेबल है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इसके बाद आप आपको जो एयरलाइंस मतलब इसमें से आपके रेट्स के हिसाब से बराबर लग रही है तो आप डायरेक्ट वो एयरलाइन के पोर्टल पे जाइए ऑफिशियल पोर्टल पे और आपको टिकट वहाँ से बुक करने हैं क्योंकि क्या होता है कि कोविड के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए मतलब फ़्लाइट अचानक से कुछ डिले हो जाता है कैंसिल हो जाती है जो भी तो आप अगर थर्ड पार्टी से बुक करते हो फ्लाइट तो फिर आपको रिफंड मिलने के लिए या फिर रिस्कड्यूल करने के लिए फ़्लाइट बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्रोसेस से जाना पड़ेगा या फिर नहीं भी होगा आपको एंटरटेन नहीं करेंगे एयरलाइंस तो इससे अच्छा आप एयरलाइंस के ऑफिशियल पोर्टल से बुक करेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी इस मामले में तो ये एक हैक है कि एक दो हज़ार के कुछ डिस्काउंट के लिए आप थर्ड पार्टी से बुक ना करें आप आपके जो एयरलाइंस है उससे बुक करें फ्लाइट तो इसमें हम एक और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि फ़्लाइट टिकट्स जब आप बुक करेंगे समझो आपने सब डिटेल्स फिल कर दिए और लास्ट स्टेप में हम जाते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस का एक ऑप्शन आता है तो दैट ऑप्शन इज़ कम्प्लीटली लाइक इट्स अप टू यू आपको करना चाहते हो तो कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो क्योंकि वो ऑप्शनल रहता है uh, क्योंकि वो जो ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान रहता है इट इज़ लिमिटेड टू ओनली दिस पर्टिकुलर जर्नी और जर्नी ख़त्म होने के बाद वो इंश्योरेंस भी ख़त्म हो जाता है और अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो तो आप इयरली बेसिस का कोई और इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो दूसरे पोर्टल से तो उससे क्या होगा कि आपके एक साल के जो भी जर्नीज़ होंगे उसके लिए वो अप्लीकेबल होगा तो वो यूज़फुल होगा आपके फ्यूचर जर्नीज़ के लिए और अगर आप चाहते हो कि हम फ्लाइट बुकिंग का डिटेल डेमो के ऊपर दूसरा वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हो तो आफ्टर टिकट्स नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वीज़ा वीज़ा इन शॉर्ट एक परमिशन होती है आप जो भी कंट्री में विज़िट कर रहे होते हो उनकी तरफ से कि आप यहाँ आ सकते हो और ट्रैवल कर सकते हो तो थाई वीज़ा के आ, तीन टाइप्स हैं एक होता है ई वीज़ा एंड एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल और एक होता है स्टिकर वीज़ा तो हमने तो जनरली वीज़ा ऑन अराइवल के लिए ऑप्ट किया था और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वीज़ा ऑन अराइवल ही प्रेफर कीजिए क्योंकि एट द एंड सबको वहाँ पर जाकर एक ही लाइन में क्यू करना होता है इमिग्रेशन के स्टैम्प के लिए तो हम बात करेंगे वीज़ा ऑन अरावल के लिए तो वीज़ा ऑन अरावल पर पर्सन पर वीज़ा चार्जेस है ट्वेंटी टू हंड्रेड बाद और वीज़ा फॉर्म कैसे फिलअप करना है कैसे होता है वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूँगा और उसके लिए डाउनलोड लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे तो वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होता है आपका एक फ़ोटो जो कि फोर बाई सिक्स सेंटीमीटर का होना चाहिए देन आपके पास होटल बुकिंग रिटर्न टिकट्स की कॉपीज़ होनी चाहिए और एक इम्पोटेंट पॉइंट ये है कि आपको पर per पर्सन 500 हंड्रेड यू डॉलर का इक्वेलेंट कैश कैरी करना है फिर वो आप बाहत में कीजिए या डॉलर्स में कीजिए आपके प्रेफरेंस के हिसाब से एंड नेक्स्ट इज़ जो आप करेंसी एक्सचेंज रिसिप्ट जो आपको इंडिया से आप जो बाहर कैरी करेंगे तो उसका एक रिसिप्ट मिलता है जहाँ से भी आप करेंगे तो वो रिसिप्ट आपको कैरी करनी है और आ, नेक्स्ट लास्ट थिंग इज बोर्डिंग पास तो आइए देखते हैं कि वीज़ा फॉर्म कैसे होता है उसको कैसे फिलअप कर दें तो ये एक बड़ा ही बेसिक सा वीज़ा ऑन अरावल फॉर्म है जो कि आपको इंडिया से ही फिलअप कर के लेके आना है आ, अगर आप इसको फिलअप करके नहीं लेके जाएंगे तो वहाँ पर जाने बाद आपको पता है कि आपको पेन फोटो स्टिक करने के लिए ग्लू या स्टेपल उस सब के लिए सब गड़बड़ होती है तो इसलिए बेस्ट ये कि आप इसको डाउनलोड करके इंडिया से ही फ़िलअप करके ले जाइए और इस फॉर्म में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन रेफरेंस इन था तो यहाँ पर आपको सिंपली आपका होटल का नेम लिख देना है नेक्स्ट पॉइंट इज़ होटल बुकिंग बैंकॉक सिटी का जो मेन सेंट्रल पॉइंट है वो है सीएम सेंटर तो आप ट्राई करें कि सी सेंटर से ज़्यादा दूर ना हो आपका होटल क्योंकि ज़्यादातर अट्रैक्शन सी uh, सेंटर के अराउंड ही है सारे स्पॉट्स तो आपको वापस आना पड़ेगा होटल से बार बार तो उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा अब यहाँ एक और हैक है कि जब आप अपना स्टे बुक करेंगे बैंकॉक में तो ट्राई करो कि कोई भी एडवांस पेमेंट ना करो और ऑप्शन सिलेक्ट करो पे एट द प्रॉपर्टी मीन्स अगर आपका प्लान कुछ लास्ट मोमेंट पे चेंज हो जाता है तो आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे आप बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे क्योंकि कोई भी आपका एडवांस पेमेंट कट नहीं होगा तो देन नेक्स्ट इज़ आप बैंकॉक uh, में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे वो भी एकदम रिजनेबल रेट्स में बट हम आपको रिकमेंड करेंगे कि हॉस्टल से ज़्यादा होटल्स प्रेफर करो क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल्स के रेट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू होटल्स सो प्रेफर होटल्स ओवर हॉस्टल्स यहाँ एक और हैक है कि जो भी होटल आप बुक करेंगे उसको आप सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर फॉलो करके रखो मीन्स वहाँ पे जो भी इवेंट्स है आपके स्टे के दौरान आपको उसके अपडेट्स मिल जाएंगे और आप वो भी एंजॉय कर सकते हो देन यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद देम बिफोर बुकिंग एंड आस्क फॉर एनी डिस्काउंट्स और एनी ऑफर्स केस मतलब इस केस में क्या होगा कि आपके थोड़े मनी सेविंग भी हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड स्पॉट्स इन थाईलैंड सो ये थाईलैंड का मैप है एंड यू विल फर्स्ट लैंड इन बैंकॉक तो बैंकॉक सिटी में बहुत सारे टॉप अट्रैक्शनस है लाइक खाउसान रोड सुखमविथ रोड एम बी के सेंटर देन uh, सी लाइफ एक्वेरियम मैडम टूसार्ज uh, वैक्स म्यूजियम तो वी विल सजेस्ट कि जब आप लैंड होंगे बैंकॉक में तो मिनिमम दो दिन आप बैंकॉक में स्पेंड करें और उसके बाद आप आपका नेक्स्ट जर्नी प्लान करें तो हमने क्या किया था हमने फर्स्ट दो से तीन दिन बैंकॉक में स्पेंड किए थे और उसके बाद हम यहाँ गए सूरत थानी क्योंकि हम वहाँ से हमको कराबी डिस्ट्रिक्ट जाना था तो आने वाले वीडियोस में हम अपना डिटेल ट्रैवल प्लान शेयर करेंगे हम कहाँ कहाँ गए थे तो आप वो भी रेफर कर सकते हो तो आते इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है करेंसी एक्सचेंज तो थाईलैंड की करेंसी है थाई बात जो कि टू पॉइंट फोर इंडियन रुपीस इक्वल्स टू वन थाई बात होता है ये रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं बट मैंने अप्रॉक्स मैंशन किया है तो आप आप जब ट्रैवल करेंगे तो तब आप चेक करें ना कि तब क्या रेट है बट जनरली इसके अराउंड ही होता है नेक्स्ट इज़ हाउ मच मनी टू कैरी तो जैसे वीजा के पॉइंट मैंने मैंशन किया था कि आपको मिनिमम फाइव हंड्रेड डॉलर्स या उसके इक्विवेलेंट थाई बात कैरी करने होते हैं तो दैट मिनिमम अमाउंट यू हैव टू कैरी नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू एक्सचेंज दी करेंसी कि हम इंडिया में करेंसी कैसे एक्सचेंज करें तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है तो उस पर आप विजिट कर कर चेक कीजिए कि आपके सिटी में कौन से आर बी आई अप्रूव फॉरन एक्सचेंजेस है जिससे कि आप कोई फ्रॉड से सेफ रहेंगे और आपको रेट्स भी अच्छे मिलेंगे और वंस यू रीच द थाईलैंड आप एयरपोर्ट से निकल गए तो आपको सबसे बेस्ट रेट मिलेगा बैंकॉक में सी एम सेंटर में सी एम पैरागॉन मॉल थर्ड फ्लोर के ऊपर जहाँ पे सबसे बेस्ट रेट होता है दैन नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंड इम्पोर्टेंट ट्रेवल हैक कि आप इंडिया से मिनिमम फाइव टू सिक्स थाउजेंड थाई बात कैरी कीजिए क्योंकि आपको वीज़ा के पेमेंट के लिए लगने वाले हैं बाईस सौ बात और फिर आपको सिम कार्ड परचेस करना होगा एयरपोर्ट से ही और आफ्टर दैट आपको आपके होटल रीच करना है तो ये मैंने आपको मैक्सिमम बताया है जिसमें आपका होटल का पेमेंट कॉस्ट नहीं जस्ट आपका रीचिंग टू होटल सिम कार्ड एंड वीज़ा इट सो ट्रैवल प्लान तो हो गया अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने वेकेशन के लिए क्या क्या पैक करना है कैसे पैक करना है बैगेज एंड सिक्योरिटी गाइड एयरपोर्ट इमिग्रेशन गाइड देन थिंग्स टू डू इमीडिएटली आफ्टर यू लैंड ऑन बैंकॉक एयरपोर्ट एंड मेनी मोर ट्रैवल हैक्स लाइक दैट सो स्टे ट्यून गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल